हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम मस्त हूँ। सो आप भी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। आप देख सकते हैं इस तरीके का कढ़ाई पनीर बनाएंगे हम। देख के मुँह में पानी आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। सो मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है पनीर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पनीर के अंदर मिर्ची पाउडर, नमक और नींबू का रस, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसको गैस के ऊपर रखते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। थ्री टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाला है। इसको अच्छे से गर्म करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई। आधा हम इनको रोस्ट करेंगे। पूरा अच्छे से नहीं करना है, थोड़ा कच्चा रखना है और थोड़ा पकाना है। इसमें एक मिनट का टाइम लगता है। जब गैस का फ्लेम मीडियम होगा तब ऐसे अलग तरह से अब हम इनको निकाल लेंगे। ये हो गई है, हम इसे भी हटाते हैं। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। बड़े बड़े पीसेज में कट करिए। हमने इसको भी ऐसे ही रोस्ट करना है जैसा कि हमने शिमला मिर्च को किया है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। और हल्का ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर से हमने सेम कढ़ाई ली है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है,
अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास पनीर के पीसेज हैं उनको। तो इनको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। हल्के हाथ से करना है वरना ये जो पीसेज हैं ये टूट जाएंगे। तो पहले गर्म कर लेते हैं अच्छे से, फिर पलटेंगे। पनीर जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है, हम हल्के हाथ से ही पलट रहे हैं इसको। पनीर को पकने में 10 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई में से। एवरीवन, वापस से हमने कढ़ाई ली है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। टू टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। ये अभी अच्छे से गर्म हो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। किधर गया? मिल गया। ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया। जीरा, काली मिर्च, लौंग, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और साथ में प्याज। हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, आपको कमी करना है वरना तो क्या होगा कि हमारी जो ये कटी हुई चीज़ें हैं प्याज वगैरह ये जल जाएंगी। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे 1 मिनट के आसपास। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ टमाटर। इसमें हमने 3 से 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3-4 हरी मिर्च की और 1 लहसुन की वो थी जो उसको बोलते हैं वो लिए, और बाकी का जीरा और काली मिर्च 5-6 और लौंग। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक।
नमक का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने पनीर में भी डाला था और थोड़ा सा नमक हमने इसमें भी डाला है। अब हम इसको एक मिनट और पकाएंगे। एक मिनट हमने प्याज वगैरह डाली तब पकाया, तो एक मिनट अभी हमने टमाटर डाला है तब पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। अगर बिल्कुल कम पे रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और चाहें आप तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक को इसलिए किया है अब हम क्या करेंगे, इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और मिक्सर के जाल के अंदर डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। फिर निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, इसको अब बाहर निकालने का टाइम आ गया है। निकाल लेती हूँ। हमने पेस्ट बना लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ में नमक। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। हमने वापस से कढ़ाई ली, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सी एवरीवन, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसको। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। एक तो ये मसाला डालने के बाद ये थोड़ा इधर उधर जाता है। हम ऐसा करेंगे, इसको कवर करके पकाएंगे, इसको ढक देते हैं और फिर हम इसको पकाएंगे, पकने देते हैं। हमने इसको कवर कर दिया है। एवरीवन, एक बार हम इसको ओपन करके देखते हैं। फिर इसको चलाते हैं। हमने इसको कवर करके रखा हुआ था और 10 से 12 मिनट हो गए इसको। आप देख सकते हैं ये जो हमारा मसाला है काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। फिर इसको चलाते हैं। हमने इसको कवर करके रखा हुआ था और 10 से 12 मिनट हो गए इसको। आप देख सकते हैं ये जो हमारा मसाला है काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। सो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारा पनीर है फ्राई किया हुआ वो। और जो शिमला मिर्च है वो, और जो प्याज है उसको भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे में। तो कैमरा भी लगा है इसको, क्या हुआ, क्लियर क्यों नहीं आ रहा। तो एवरीवन, हमने अच्छे से मिला दिया इसको। शिमला मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दी है, पनीर डाल दिया है पेस्ट के अंदर।
अब हम इसको ढक देंगे और 5-7 मिनट और पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। सो एवरीवन, 10 से 12 मिनट हो गए, इसको ओपन करके देखते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं। इधर से इधर कहाँ भाग रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला, ये हमें एंड में डालना है, तब हमारी जो सब्ज़ी है वो प्रॉपर बन के तैयार हो जाए। थोड़ा सा चला देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी जो कढ़ाई पनीर है वो बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।